हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एनएचपीसी जेई का 2022 में जो एग्जाम हुआ था इसका ऑफिशियल कट ऑफ फाइनल कट ऑफ कितना गया बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे लड़कों ने आरटीआई लगाया था एनएचपीसी जेई के ऑफिशियल कट ऑफ को जानने के लिए, तो आरटीआई ने फाइनली रिप्लाई दे दिया है। तो वो जो रिप्लाई है वो आप सबको हम दिखाएंगे, आप सबको बताएंगे कितना फाइनली कट ऑफ गया है एनएचपीसी जेई 2022 का। देखिए कट ऑफ बताने का सेंस ये रहता है कि अगर लड़के जो भी तैयारी करते हैं टेक्निकल वैकेंसी से रिक्रूटमेंट की, तो वो एक बार कट ऑफ जान लेते हैं ऑफिसर की नॉर्मली कितना गया है, तो वो अपना प्रिपरेशन उस लेवल का करते हैं। अगर मतलब कट ऑफ जानने के बाद तो वो तैयारी अपना इस हिसाब से करते हैं कि वहाँ तक तो उनका नंबर आए। तो ये कट ऑफ बताने का बस वही पर्पज है ताकि आप लोग अपना प्रिपरेशन उस हिसाब से करिए कि उस कट ऑफ तक जरूर पहुँचिए। ठीक, तो चलिए आरटीआई का रिप्लाई आप सबके सामने लाते हैं, उसके बाद चीज़ों को समझाते हैं कितना कट ऑफ गया है फाइनली। तो आप देख सकते हैं ये आरटीआई का रिप्लाई है। तो यहाँ पे लिख रहा है द कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर NHR रेक्टेंगुलर 5/2021 इज एज अंडर। तो यहाँ पे अगर हम बताएं कि UR का जो कट ऑफ गया था फाइनली सिलेक्शन होने के बाद का, मतलब सारा लास्ट कट ऑफ है ये 156.25, और EWS का गया था 154.02, और OBC NCL का गया था 154.59, और SC का गया था 147.81, और SC का गया था 132.01। ठीक, तो ये द नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ द एप्लीकेशन इन 153.75, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है, मतलब फाइनल सिलेक्शन के बाद का कट ऑफ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं इस कट ऑफ को देख करके आप समझ चुके होंगे NHPCJ के कट ऑफ कितना क्या है और आप सबको कैसे अपने रीडिंग करनी है ताकि आप इस कट ऑफ तक जरूर पहुंच जाए। तो लास्ट में सही कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं मतलब टेक्निकल स्टूडेंट हैं, मतलब पॉलिटेक्निक के, ITI के, BTEC के, आप JEE के पेपर से करते हैं टेक्निकल वैकेंसी तैयारी करते हैं, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को टेक्निकल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट रहती है उन्हें आप तक पहुँचाया जा सके। देखिए बताना चाहूँगा फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से हम लोग जितनी भी आसपास की टेक्निकल वैकेंसियाँ रहती हैं, जैसे कोई भी वैकेंसी ITI के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए और BTEC के लिए, किसी भी ब्रांच के लिए, उसका फुल नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर वो चाहे आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड हो, फिर आप सभी के एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, फिर आप सभी एग्जाम एनालिसिस से रिलेटेड हो, सारा चीज़ आप तक पहुँचाया जाता है। तो अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके चीज़ों को देख सकते हैं, हमारे काम को चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन अपडेट आप तक सारा पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड आज के बस इतने, बाकी फिर मिलते हैं नए टेक्निकल वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपडेट के साथ। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।